हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जनरल मेथड की हेल्प से एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिप्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन दिया रहता है, ड्रॉ एन एलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/3 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है इसका इसेंट्रिसिटी, जिसे हम इसे डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है 2/3। एंड हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस दिया हुआ है जो कि है 50 mm। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स बनानी होती है। इस डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ होगी 10 से 15 cm। तो हमने ये डायरेक्ट्रिक्स बना ली, एक वर्टिकल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है कि इसका जो फोकस का डिस्टेंस है ये है 50 mm। तो हम इस पॉइंट को सी बनाएंगे और इस पॉइंट से 50 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाएंगे जो होगा फोकस। इसका डिस्टेंस है 50 mm सी से एफ तक का। अब हमें इसके कुछ पार्ट्स करने हैं। तो इसका पार्ट्स करने के लिए हमको इसेंट्रिसिटी को देखना पड़ेगा। तो इसेंट्रिसिटी इसका दिया है 2/3, तो हमें देखना है कि 2 + 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 5। तो हमें इसके 5 पार्ट्स करने होंगे। तो 5 पार्ट्स करने के लिए हम स्केल मेथड का यूज करेंगे। इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कंपास की हेल्प से उसमें 5 पार्ट्स करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और जो लास्ट वाली लाइन है उसको फोकस से हम जोड़ेंगे। इसी तरीके से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। तो इस तरीके से इस लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं। इसे हम नाम दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद हमें देखना है कि सेंट्रिसिटी में नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे नंबर 3 लिखा हुआ है, तो हम इस नंबर 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के। इसके बाद इस 3 नंबर के पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस लेंगे और ऐसा एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये जिस किसी भी पॉइंट पर आर्क कटा है इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई, और सी से ई को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। तो ये जनरल प्रोसीजर है जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर होंगी इस लाइन से। तो ये लगभग 1 cm के डिस्टेंस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है हमें और भी आगे 9 की जरूरत पड़े तो हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने ये लाइन शुरू कर दी है। अब इसके बाद इसका फाइनल और मोस्ट क्रिटिकल पार्ट आता है,
और उसमें हमें क्या करना होता है, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है इन लाइंस का डिस्टेंस लेंगे हम, इस पॉइंट से इस लाइन का जो लेंथ है इस लेंथ को लेंगे और इसे फोकस पर रखकर इसी लाइन पर ऊपर और नीचे कट करेंगे। ये पहली लाइन के साथ किया, फिर इसके बाद दूसरी लाइन की लेंथ लेंगे, ये हो गई दूसरी लाइन की लेंथ, इसे फोकस पर रखा, ऊपर कट किया एंड नीचे कट किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन ये रही, इसका लेंथ लिया, फोकस पर रखा, ऊपर और नीचे कट कर दिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन, और यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे ये आर्क छोटे होने लगे हैं, ये वाले आर्क पास आने लगे हैं, और आगे देखते हैं आप देखोगे कि ये वाला जो आर्क है ये लास्ट इसी लाइन पर कट हो रहा है, इसका मतलब हमें फाइनल पॉइंट इसी पॉइंट पर कहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए अब हम जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी को हाईलाइट करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए, तो उसे जब हाईलाइट करें तो ध्यान रखें कि सारे पॉइंट्स एक लाइन में ही हो, इस तरीके से एक कर्व बनाते हुए। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, और इस तरीके से हमारा एलिप्स बनकर हो गया है रेडी। तो अभी जिस तरह से हमने ये एलिप्स ड्रॉ किया है इसी तरह से हम पैराबोला एंड हाइपरबोला भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर हमें उसमें भी फॉलो करना। अब बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, इस क्वेश्चन में मैंने कर दिया है ड्रॉ अ हाइपरबोला, draw a hyperbola whose eccentricity is 3 by 2 and distance between focus and directrix is 60 mm। तो इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमें, तो eccentricity गिवन है 3 by 2, पिछले वाली कंडीशन में हमको एलिप्स के लिए दिया हुआ था 2 by 3 लेकिन इस बार दिया है 3 by 2। तो इसके भी कितने पार्ट्स होने हैं, तो इसके भी 2 plus 3 is equals to 5 parts ही होंगे, लेकिन इसमें एक चेंज हो जाएगा इस बार कि इसका जो फोकस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 60 मिलीमीटर डिस्टेंस पर। तो जब हम हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें ये तो एक जनरल प्रोसीजर करना है जैसा इसको ड्रॉ करते समय किया था हमने, इसमें सी पॉइंट बनाकर 60 mm डिस्टेंस पर हमें पॉइंट बनाएंगे F, और इसके भी 5 पार्ट्स करेंगे, तो मैं इसमें सीधे कर देता हूँ 1, 2, 3, 4 and 5। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके नीचे लिखा हुआ है 2, तो हमने ये जो लाइन ऊपर उठाई थी इस लाइन को हम 2 से ऊपर उठाएंगे और फिर F से आर्क लेकर के ये एक डिस्टेंस हम बनाएंगे,
और ये पॉइंट होगा ए। इस तरह से सीई को आगे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पूरी प्रोसेस वैसी ही करनी है जैसे इसकी केस में हमने की थी। तो जो हाइपरबोला बनेगा वो हाइपरबोला कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो वो कंप्लीटली पैक नहीं होगा, जैसे कि ये कंप्लीटली पैक हो गया वो नहीं होगा। तो आप लोग इसका ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करें।